इस्तकबाल है नाजरीन साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क और आलम अहवाल से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर्स रियल एस्टेट्स दुबई। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर आयद पाबंदी को खत्म करने के ऐलान पर वजीर आला सिद्धारमैया ने की वजाहत। कहा स्कूल और कॉलेजेस में सरकार तालिबात के हिजाब पहनने पर आयद पाबंदी को हटाने से मुतालिक फिलहाल कर रही है गौर व खौज। हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत और राय मशवरों के बाद ही किया जाएगा हतमी फैसला। अब तक मनसूख नहीं किया गया है हुक्म। एक दिन कबल वजीर आला सिद्धारमैया के हवाले से हिजाब पर पाबंदी हटाए जाने के ऐलान करने की मीडिया रिपोर्ट में शाई हुई थी खबर। सिद्धारमैया ने बातचीत करते हुए लिबास और खाने पीने के इंतखाब में हर शहरी आजाद होने का दिया था बयान। हिजाब अब वापस लगा बढ़ते हुए ये हिजाब हिलाएगा ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತಿ ಹಾಕೊಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಜುಬ್ಬಾ ಹಾಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ನೀವು. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲಿಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ? ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर ईडी का मुसलसल मंडला रहा साया। शराब पॉलिसी घोटाला मामले की पूछताछ के लिए तीसरी बार ईडी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। 3 जनवरी को ईडी दफ्तर में पेश होने का दिया गया हुक्म, बोले आप लीडर सौरभ भारद्वाज। ईडी की जानिब से भेजा गया समन कानूनी अमल से ज्यादा मालूम होता है मरकजी हुकूमत का सियासी दिखावा। शराब पॉलिसी घोटाला मामले में गिरफ्तार आप लीडर संजय सिंह को भी अदालत से लगा बड़ा झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानती अर्जी को मंजूरी देने से किया इनकार। दरखास्त को अदालत ने किया मुस्तरद। साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई अदालती तहवीर। शराब घोटाला मामले में ही जेल में बंद है सिसोदिया। ओलंपिक ब्राउन मेडलिस्ट साक्षी मलिक का पहलवानी के मैदान से किनारा कशी अख्तियार करने के ऐलान के बाद अब रेसलर बजरंग पुनिया ने भी लिया फैसला। इंसाफ न मिलने पर पीएम मोदी को लौटा दिया पद्मश्री अवार्ड। बोले पुनिया, हमें इंसाफ का दिया गया था भरोसा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर एक बार फिर बृजभूषण सिंह के ही करीबी साथी और बिजनेस पार्टनर को ही बतौर सदर मुंतखब करके की गई है नाइंसाफी। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत मुतादित खवातीन पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ जिंसी ज्यादती और हरासानी का इल्जाम आयद करके महीनों तक एहतजाज करके सरकार से कार्रवाई का किया था मुतालबा। शदीद धरने के बावजूद भी भूषण के खिलाफ नहीं लिया गया था कोई एक्शन। प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात करके सरकार के साथ जारी लड़ाई और जद्दोजहद में जाती तौर पर और पार्टी का पूरा साथ होने का दिया भरोसा। भारत समेत दुनिया भर में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट JN1। मौकमे सेहत की जानिब से जारी किया गया है अलर्ट। फिलहाल भारत में ही 3,000 दर्ज किए गए हैं मुस्बत मामला। सिर्फ केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 265 पाए गए हैं कोरोना मुतासर मरीज, एक शख्स की गई जान। तो कर्नाटक में भी तेजी से अपने असरात फैला रहा है वायरस। एक दिन में 78 नए कोरोना के दर्ज हुए हैं केसेस, 175 तक पहुंच गई है कुल तादाद। वायरस में मुब्तला 4 लोग हुए हैं हलाक। सभी रियासतों में सरकार की जानिब से माहिरीन और डॉक्टरों के साथ मीटिंग मुनाकिद करके तैयार की जा रही है हिकमत अमली। गुजरात में तालीमी निजाम पर भी मजहबी रंग चढ़ाने का पार किया गया पहला पड़ाव। स्कूलों में अब से पढ़ाई जाएगी भगवद गीता। वजीर तालीम कुबेर डिंडोर ने किया ऐलान। 6ठी से 8ठी जमात तक के तलबा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर भगवद गीता पर मुश्तमिल असबाक की लॉन्च की गई किताब। रवां साल सिर्फ सरकारी स्कूलों के निसाब में ही शामिल करने का सरकार ने लिया है फैसला।
आइंदा तालीमी साल में निजी स्कूलों के सिलेबस में भी किया जाएगा शामिल। अपोजिशन ने सरकार पर स्कूलों को भी भगवा रंग में रंगने की कोशिश किए जाने का आयद किया इल्जाम। यूपी के बुलंदशहर में दूल्हे पर भारी पड़ गई जहेज की लालच। जहेज में मनपसंद कार न मिलने पर दुल्हा ने शादी से किया इनकार। नाराज दुल्हन वालों ने दूल्हे समेत सभी बारातियों को बनाया रंगमाल। शादी का पूरा खर्च 17 लाख रुपए लौटाने का दूल्हे वालों से किया गया मुतालबा। बहस मुबासे के बाद 12.5 लाख रुपए नकद और अपने जेवरात गिरवी रखकर बारातियों के साथ वापस लौट गया दुल्हा। जहेज के तौर पर दुल्हन की जानिब से तय की गई हुंडई क्रेटा कार के बजाय मारुति सुजुकी की ब्रेजा कार दिए जाने पर शुरू हुआ था तनाजा। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बारातियों को बंधक बनाए जाने की वीडियो। यूपी के झांसी में एक शख्स ने अपने ही दोस्त को कुल्हाड़ी से काट कर उतार दिया मौत के घाट। 10 दिन कबल मकतूल के घर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान दोनों दोस्तों के दरमियान हुआ था तनाजा। शराब के नशे में मकतूल की बीवी का हाथ पकड़कर नाचने पर शुरू हुआ था झगड़ा। लोगों ने भी किया था खूब जदोगोप। अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए दोस्त को जंगल ले जाकर अंजाम दी वारदात। वाकई के बाद से फरार है मुल्जिम दोस्त। धरपकड़ के लिए पुलिस की जानिब से बिछाई गई है जाल। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर-आला भूपेश बघेल ने रियासत की नई बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बोले बघेल, नक्सलियों के नाम पर सरकार मकामी गांव वालों को ही गिरफ्तार करके भेज रही है जेल। कार्रवाई पर शदीद तश्वीश का इजहार करते कांग्रेस दौरे इख्तदार की पॉलिसी पर अमल करने की दी सलाह। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुरा में पेश आया अंदोनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 44 पर बस और ट्रैक्टर के दरमियान हुआ तसादुम। हादसे में मौके पर ही 4 किसानों ने तोड़ दिया दम। अपने ट्रैक्टर पर चावल ले जा रहे थे किसान। घने कोहरे के सबब शाहरा पर विजिबिलिटी कम होने से हादसा पेश आने का जाहिर किया जा रहा है इनका। कानूनी दाव पेज में फंस गए सेमिनार और सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल बातों से सुर्खियां बटोरने वाले विवेक बेंद्रा। शादी के महज एक हफ्ते बाद ही बीवी ने विवेक पर मारपीट और तशद्दुद का आयद किया इल्जाम। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत। मारपीट से बीवी का एक कान बुरी तरह जख्मी होने का भी दर्ज मुकदमे में किया गया है तस्करा। सेमिनार और सोशल मीडिया पर कोचिंग के नाम पर लोगों के साथ ठगी और फ्रॉड किए जाने के भी विवेक पर पहले से आयद किए जा रहे थे इल्जाम। बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल में तलबा के हाथों करवाई गई बैतुल खला की सफाई। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से शिकायत दर्ज करने के बाद स्कूल हेडमिस्ट्रेस लक्ष्मी देवम्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तलबा के सरपरस्त और वालिदैन की जानिब से स्कूल के बाहर एहतजाज करके नाराजी जाहिर किए जाने के बाद लिया गया एक्शन। लक्ष्मी देवम्मा को ओहदे से भी किया गया मुअत्तल। अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भटकल में आज यूसी साइंस के तलबा के लिए स्टेम 23 के नाम से शानदार फेस्ट का किया गया इनेकाद। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के रखे गए थे मुकाबले। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के माबेन काबिलियत के इस्नाद और नकद इनामात तकसीम करके की गई हौसला अफजाई। मौके की मुनासिबत से मुनाकिदा तकरीब में मेहमान खुसूसी नायब सदर अंजुमन समीर सक्काफ ने खिताब करते हुए की कॉलेज इंतजामिया की सताइश। कहा, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते दौर में इंडस्ट्रीज और कंपनियों की जरूरियात पूरी करने के लिए मुतालिका करिकुलम और निसाब को शामिल करके तलबा में काबिलियत पैदा करने की जा रही है बेहतरीन कोशिश। अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भटकल में शोभा MBA का मुनाकिद किया गया ग्रेजुएशन डे। तलबा में तकसीम की गई सर्टिफिकेट्स, टॉपर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले तलबा की भी की गई तहनियत। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी हार न मान कर कामयाबी के लिए हमेशा जदोजहद जारी रखने की मुकर्रीन ने तलबा को दी नसीहत। फ्रांस के हवाई अड्डे पर रोक दिया गया भारतीय मुसाफिरों से भरा तैयारा। इंसानी स्मगलिंग का शुबा जाहिर करके सभी मुसाफिरों से की गई पूछताछ। तहवील में लिए गए हैं 2 अफराद। तैयारे पर सवार 303 में से ज्यादातर मुसाफिरों का था भारत से ताल्लुक। तैयारे ने दुबई से भरी थी उड़ान। पेरिस से 160 किलोमीटर दूर तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर वित्री एयरपोर्ट पर की गई थी लैंडिंग। ह्यूमन स्मगलिंग के शुबे के बाद फ्रांस इंतजामिया ने दोबारा प्रवास करने की नहीं दी थी इजाजत। फिलहाल पूरे मामले की जा रही है तहकीकात। फ्रांस में मौजूद भारतीय सिफारत खाने ने एक्स पर पोस्ट करके की है वाकई की तस्दीक।